बट यूनिवर्सिटी क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन देती है, उसके लिए यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है onlinemanipal.com, आप यहां पर जाएंगे, सब डिटेल्स आपको आसानी से यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है डिटेल यहाँ मेंशन है, और भी काफी कुछ यहाँ पर आप डिटेल देख पाओगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, अपने देश में हालांकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और आपके सपनों को पूरा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अपने देश में जितनी बड़ी एक पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा सामने समस्या क्रिएट होती है कि स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए। ऑनलाइन एजुकेशन इन सभी चीजों का एक सॉल्यूशन है, जहां स्टूडेंट को वो उस लेवल का एक्सपोजर तो नहीं मिलता जो एक्सपोजर उसे मिलना चाहिए, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन में रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, पर हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन के आने से, ऑनलाइन लेक्चर्स होने से, ऑनलाइन ई बुक्स होने से, लाइब्रेरी होने से, समय समय पर चीजों को अपडेट करने से डिस्टेंस एजुकेशन का जो दायरा है वो खुला है, बड़ा हुआ है वो दायरा, और साथ में ही अपग्रेड किया है अपने आप को ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। हम बात करें अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी हालांकि ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन यूनिवर्सिटीज से आप कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ऑनलाइन एजुकेशन। राजस्थान में एक ही प्राइवेट ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके पास अभी डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है यूनिवर्सिटी को, मणिपाल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है। टोटल वैसे अगर देखा जाए तो 7 टोटल ऐसी यूनिवर्सिटीज है डिस्टेंस जिसका क्या ऑनलाइन दिखाता है। अभी अगर आप जाओगे डैप की साइट पर, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, वन बाय वन बताऊंगा, यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का भी अप्रूवल है, डैप का भी अप्रूवल है, और कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है, मणिपाल यूनिवर्सिटी, और भी काफी तरह के जो आपके डाउट्स हैं सभी को क्लियर करूंगा मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन को एक तरह से मैं बोलूं तो रिप्लेस करेगा आने वाले टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको वो सभी सहूलियत मिलती है जो सहूलियत आप चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अपने देश में सबसे पहली जो एक यूनिवर्सिटी बनी डिस्टेंस एजुकेशन की, बी.आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी 1982 में। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में बनी, और इसके बाद बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन के रास्ते आपके खुलते चले गए। अब होता क्या है कि बात आती है ऑनलाइन एजुकेशन की। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज इससे पहले भी ऑनलाइन एजुकेशन दे रही थी, पर आप अगर देखोगे तो 2018 में जो सर्कुलर आया उस सर्कुलर के अनुसार, हालांकि उस सर्कुलर पे मैंने एक वीडियो बनाई है 18 में किस तरह से ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल गए, तो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई। मणिपाल यूनिवर्सिटी भी उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एजुकेशन देती हैं। हालांकि अगर आप इस यूनिवर्सिटी को, मणिपाल यूनिवर्सिटी को, डिस्टेंस एजुकेशन से कंपेयर करते हो, और ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम पहले जाकर डिस्टेंस की साइट पर जाकर चेक करें, तो वहां राजस्थान के नाम पर सिर्फ सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी आपको नजर आएगा। बट यूनिवर्सिटी क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन देती है, उसके लिए यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है onlinemanipal.com, आप यहां पर जाएंगे, सब डिटेल्स आपको आसानी से यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है डिटेल यहां मेंशन है, और भी काफी कुछ यहां पर आप डिटेल देख पाओगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, तो बैचलर में जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है वो है बैचलर ऑफ कॉमर्स, मतलब बीकॉम आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पर। साथ में यूनिवर्सिटी बीबीए में एडमिशन लेती है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब यूनिवर्सिटी बीसीए करवाती है। और आप जब मास्टर्स में देखते हैं, मास्टर्स डिग्री में यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, तो एमबीए में जो स्पेशलाइजेशन है यूनिवर्सिटी के पास, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और साथ में ही एमबीए के बारे में मेंशन है यहाँ पर, 24 महीने का कोर्स यूनिवर्सिटी करवा रही है। इसके अंदर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आप इसमें एमसीए कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिसे एमजेएमसी भी बोलते हैं ये कोर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस ये कोर्स भी यूनिवर्सिटी करवाती है ऑनलाइन मोड पर, मास्टर ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्स ये भी आप कोर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं मास्टर्स में। और साथ में कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी यूनिवर्सिटी करवाती है, जैसे कि पीजीसीपी इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फ्रॉम एमआईटी, ये एक कोर्स से मेंशन किया है यूनिवर्सिटी ने। साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम एमआईटी और बिजनेस एनालिटिक्स, ये कुछ कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल वे में यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम इन कोर्सेज को करवाते हैं। देखा जाए यूनिवर्सिटी के पास जो अप्रूवल्स हैं, जो अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है ऑनलाइन एजुकेशन कराने के लिए, वो सभी अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। कौन कौन से अप्रूवल्स है वो,
जिसके बाद यूनिवर्सिटी करवा पाती है, जैसे कि नैक होता है। नैक एक्रीडेशन यूनिवर्सिटी के पास होना जरूरी है, अगर नैक नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी इस तरह से एडमिशन नहीं ले पाएगी, और अगर यूनिवर्सिटी फिर भी एडमिशन लेती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। हालांकि उस पर मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर ऑनलाइन एजुकेशन चलानी है, उस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपके सभी तरह के जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं। अप्रूवल्स के लिए सबसे पहले बात आती है यूजीसी की। यूजीसी पर तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, जो यूजीसी एक्ट बोलता है 1956 का, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी यूनिवर्सिटीज यूजीसी पर लिस्टेड होनी चाहिए, और जिस तरह से यूजीसी रेगुलेट करता है सभी यूनिवर्सिटीज को, उसी तरह से यूजीसी को रेगुलेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसे आप बोल सकते हो। अब यूनिवर्सिटी के हम लोग अप्रूवल्स देख लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास जो अप्रूवल्स हैं, जो फिलहाल यूनिवर्सिटी की साइट पर भी आप जाके देख सकते हैं, नैक एक्रीडेशन यूनिवर्सिटी को मिला है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल होती है जो यूनिवर्सिटी गुणवत्ता को देखती है, साथ में ही देखती है कि यूनिवर्सिटी किस लेवल पर स्टैंड करती है। नैक में A+ यूनिवर्सिटी को मिला है। दोस्तों साथ में अगर आप चाहते हो यूनिवर्सिटी को देखना कि यूजीसी पर कहां रैंक करती है यूनिवर्सिटी, तो आप सीधा जाइए www.ugc.ac.in। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एक वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आप 5th टैब को आप देखेंगे, यूनिवर्सिटीज लिखा है, यूनिवर्सिटीज के नीचे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिखा है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर सभी स्टेट्स के नाम लिखे हैं। यहां पर आकर राजस्थान में आप क्लिक करेंगे, राजस्थान में क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करके आप आएंगे तो यहां पर M पर आप जाइए, मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर 24वें नंबर पर। टोटल राजस्थान में जो यूनिवर्सिटीज चलती हैं, टोटल 52 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से एक आती है मणिपाल यूनिवर्सिटी। मणिपाल जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास हाल ही कई सारे अप्रूवल जो मैंने आपको बताए यूजीसी के अनुसार, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है मतलब रेगुलर कोर्सेज की, वो है www.jaipur.manipal.edu। और दोस्तों यूनिवर्सिटी 2011 से बनी हुई है, यहाँ डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, उनकी डिटेल्स यहाँ मेंशन है, डॉक्टर गोपाल कृष्णा प्रभु के ये इनका नाम है, साथ में ईमेल आईडी मेंशन है, फोन नंबर भी मेंशन है, आप चाहे सीधा उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन में डॉक्टर नीतू भटनागर, ये भी डिटेल्स यहाँ मेंशन है, ये जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं। तो ये है यूजीसी पर अपडेट जो यूनिवर्सिटी का मेंशन है, यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की डिटेल्स, 24वें नंबर पर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मेंशन है। जो भी यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है ऑनलाइन मोड पर, उसकी वेबसाइट अलग है। यहाँ पर एफिलिएशंस जो जो है यूनिवर्सिटी के पास सब मेंशन है, वो आप देख सकते हैं। और डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें अपने सवालों को, मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या और जानना चाहते हैं, हालांकि कैसे चलता है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, किन किन कोर्स को करा सकते हैं, क्या कंडीशन है, क्या टर्म कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को बनने के लिए अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहते हैं, उस पर हमने वीडियोस बनाए हैं, आप वो वीडियोस देखेंगे, आपको इसी चैनल पर सब वीडियोस मिल जाएंगे। और जो दूसरा हमारा चैनल है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, वहाँ सिर्फ आपको डिस्टेंस एंड ऑनलाइन कोर्सेज जो करवाती हैं यूनिवर्सिटीज, उन्हीं के बारे में सब डिटेल्स आपको मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।